चलिए, जो जो ऑनलाइन आ गए हैं मुझे लाइव चैट में बताएं। दर्शना पाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दर्शना। और सभी जो भी आ गए हैं चलिए एक लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर कर दें कि क्लास शुरू हो गई है। मैं भी सबको शेयर कर देती हूँ कि क्लास शुरू हो गई है। सभी कर दें शेयर कि क्लास शुरू हो चुकी है। सभी लाइक कर दें। प्राची बोल रही है गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्राची। सभी लाइक कर दें और सभी को शेयर भी कर दें। तब तक मैं भी सबको शेयर कर देती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, 5 मिनट में क्लास शुरू कर लेंगे। सभी एक मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि मुझे पता लग जाए। और सभी, चलिए सभी लाइक कर दीजिए। लाइक सभी कर दें कि क्लास शुरू हो गई है। सभी लाइक कर दें। आज तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि क्लास हो पाएगी आप सभी की, लेकिन फिर चलिए हो ही गई क्लास। जैसे तैसे करके मैनेज करना पड़ा। लैपटॉप खराब हो गया था रात में आज काम करते हुए। गुड इवनिंग राजी। कल सभी बोल रहे थे पीडीएफ देने के लिए। पीडीएफ बस सबके लिए बना ही रही थी क्योंकि पीपीटी से पीडीएफ पे कन्वर्ट कर रही थी, तो बस बीच में लैपटॉप ऑफ हो गया क्योंकि खराब हो चुका था। काफी दिनों से लैपटॉप खराब चल रहा था, तो मैं टाल रही थी, सोच रही थी जब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, करवा लेंगे भाई बाद में। तो बस करवाने के हिसाब से बस ये खराब ही हो गया, बस अब करवाना ही पड़ा फाइनली। तो काफी मुश्किल से आज तो आया है आपका कंटेंट। लास्ट मोमेंट तक ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। गुड इवनिंग सभी को। दिवाकर जी भी आ गए हैं, मयंक जी भी आ गए हैं। सभी लोग लाइक कर दें। हम 2 मिनट बाद क्लास शुरू करेंगे जब और थोड़े से लोग जुड़ जाएंगे हमसे, क्योंकि 7:05 तक मैक्सिमम लोग आ जाते हैं क्लास में। तो 5 मिनट तक का और इंतजार कर लेते हैं। गुड इवनिंग सौरभ जी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। सभी को शेयर करते हैं कि क्लास हो गई है। हाँ गुड इवनिंग सभी को। तो शुरू कर दें फिर क्लास या फिर वेट करें 2 मिनट और? कुछ बच्चे अभी भी नहीं आए हैं जो रोज आते हैं। काफी सारे लोगों का तो नाम याद हो गया है जो रोज आते हैं क्लास में। गुड इवनिंग संजीव जी। चलिए आज जो 7, 8 to 9 भी हमारी क्लास होगी आप सभी अटेंड करें। 8 to 9 नहीं, 9 to 10 होगी ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे। आप सभी को मैंने नंबर दिया था, आप नंबर में जुड़ जाएं ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं जो भी लिंक होगा ऐप का। एक बार फिर से नोट कर लीजिए नंबर। नंबर है 9311737498। तो ये नंबर है, सभी नोट कर लें। तो क्लास हमारी 8 to 9। हाँ हाय अजय जी, क्लास हमारी 9 to 10 चलती है अनअकैडमी पे। आप लोगों की डिमांड है कि भाई पॉलिटी को भी हिंदी में लिखा जाए, जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम से होगा। तो आज हम यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हम यहाँ पे कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जिसकी भी क्लास क्या हुई है, मिस हुई है 1773 के बाद का, टोटल क्राउन रूल डिस्कस करेंगे बेसिकली 1773 से 87 के बीच में। तो जिसकी भी क्लास मिस हो गई है यहाँ पे, जो लाइव देखना चाहते हैं, लाइव डिस्कस करना चाहते हैं चीजों को, तो जरूर आए और वहां पे थोड़ा और ब्रीफली पढ़ते हैं यहाँ के कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां पे समय ठीक रहता है और फिर वहां पे बात करने में थोड़ी मुश्किल कम होती है यहाँ के कंपैरेटिवली। वहां पे तुरंत आ जाता है आप लोग का रिप्लाई, वहां यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा वक्त लगता है रिप्लाई आने में। तो आप सभी 9 to 10 करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है और साथ में नंबर से रजिस्टर करना है ऐप पे। आपको नंबर डालना ही पड़ेगा, नंबर पूछेगा, नाम पूछेगा आपका, नंबर डाल के अनअकैडमी ऐप रजिस्टर हो जाएगा।
अब आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, शालिनी बंसल के नाम से प्रोफाइल है, तो वो प्रोफाइल जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लास की। आप ये नंबर भी नोट कर सकते हो, आप इस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ताकि आपको ग्रुप पे जोड़ दूँ, और भी कोई परेशानी हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में। ये थोड़ा सा मेरे बारे में है, अब तो आप सभी को पता चल गया होगा मेरे बारे में, शायद सबकी आज दूसरी या तीसरी या फिर उसके बाद काफी सारी क्लासेस आप लोग ले चुके हैं शायद मेरी। तो आई एम शालिनी बंसल एंड आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट सेगमेंट, IAS, PCS, SSC, NDA। अब बात करते हैं अनअकैडमी आपको क्या मिलेगा, तो डेली लाइव क्लासेस आप ले ही रहे हैं, टेस्ट और क्विजेस भी होते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है स्पेशली आपके सिलेबस को देख के बनाए गए हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, आप एक बार अगर आप कर लेंगे किसी की भी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे UPSC का, तो आप किसी भी एजुकेटर का आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं उनका वीडियो। अब देखिए बात करते हैं अनअकैडमी ऐप को किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो अनअकैडमी ऐप को बस आपको प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है। काफी सारे बच्चे कल मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैम अनअकैडमी ऐप कैसे इंस्टॉल होगा, तो प्ले स्टोर पे जाना है बस, कुछ नहीं करना है, और आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना है बस। अनअकैडमी भी लिखोगे तो आ जाएगा, एक एजुकेटर ऐप आता है और एक लर्निंग ऐप आता है, तो आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पे आप जब शालिनी बंसल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल, तो वहां से फॉलो कर सकते हो प्रोफाइल को, तो वहां से फॉलो कर लेना आप। और 9 to 10 वहां पे हमारी रोज क्लास होती है, 9 to 10 रात में होती है, सभी के कहने पर ही रात में रखा गया है क्लास, क्योंकि सभी बहुत सारे बच्चे ऑफिस गोइंग है तो कह रहे थे कि क्लास नहीं कर पाते हैं, मॉर्निंग में क्लास होती है, तो इस वजह से 9 to 10 क्लास रखा गया है। अब आप देखिए एक सब्सक्रिप्शन क्या है, तो 1 month, 3, 6, 12 और 24 month का है। रिकमेंडेबल क्या है, 12 और 24 month का आप लें, क्योंकि तैयारी में बच्चे 1 साल से 2 साल लग ही जाता है मैक्सिमम तैयारी में, तो आप ये जो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और आपको कोड क्या अप्लाई करना है, शालिनी कोड अप्लाई करना है, ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाए, और आपकी फी स्ट्रक्चर हो जाएगी, आप देख सकते हैं क्या, 12 month की 6300 और 24 month की 7560 रुपीज, देख सकते हैं कितनी ही कम फी है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, बस शालिनी कोड अप्लाई करना है, तो भूलना नहीं है SHALINI। चलिए आज का पहला सवाल है आपके सामने, बताइए गुली फालहू जो आपका पोर्ट है कहाँ लोकेटेड है बताना है, श्रीलंका में है, US में है, म्यांमार में है, या फिर मालदीव में है, बताइए भाई कहाँ पे है ये लोकेटेड, आप सभी को बताना है कहाँ पे लोकेटेड है ये। सभी लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों को शेयर भी कर दें कि क्लास शुरू हो गई है। हाँ मैं इंस्टॉल कर लिया, बहुत बढ़िया अजय जी आपने इंस्टॉल कर लिया, और भी 2-3 बच्चे ने मैसेज करके पूछा था कि इंस्टॉल कैसे होगा, तो फिर कह रहे थे कि आज करेंगे इंस्टॉल, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे आप लोग कोई ये, हाँ 3 बोल रहे हैं म्यांमार, अच्छा और सभी बताएं, जैसे कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म आप डाउनलोड करते हो उसके हिसाब से ही होता है ये भी, वैसे ही हो जाता है। चलिए कोई 3 बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, आप सभी आंसर दें। हेलो रजनीश जी, लाइक कर ले, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे क्लास को लाइक करना ना भूले, और आंसर भी दें, क्योंकि आंसर देना काफी जरूरी है, आंसर दें भाई क्या होगा इसका आंसर। यहां वाले बच्चे वहां नहीं जाते हैं, वहां वाले बच्चे यहां नहीं आते हैं, क्यों भाई आया कीजिए। चलिए सभी बताएं, 2-3 लोग ही बता रहे हैं आंसर, रजनीश जी ने बताया है, संजीव जी ने बताया है, संतोष मिश्रा, हेलो संतोष जी, आज सभी ऑन टाइम है मैक्सिमम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है जान के। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं जुड़े हैं, आ ही जाएंगे कुछ टाइम में, और सभी बताएं इसका आंसर, काफी सारे लोग हैं, जो भी नए जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक करना है भाई जो भी नए जुड़ रहे हैं। चलिए तो आंसर डिस्कस किया जाए इसका, बस लगता है 2-4 लोग ही आंसर देंगे और नहीं देंगे लगता है। रचना जी बोल रही है 3 है, अच्छा और सभी बताएं इसका आंसर, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि सभी, देखिए आप सभी आंसर दीजिए, देखिए आंसर देते हैं तो गलत होता है तो कोई बात नहीं है, गलत हो ही जाता है कभी कभी, तो गलत हो भी गया तो क्या हो गया, यहाँ मार्क्स तो कट नहीं रहे हैं, तो गलत हो जाएगा तो और भी अच्छा है, गलती जो हम कर लेते हैं वो चीजें याद हो जाती है लॉन्ग टाइम के लिए, तो बेटर है यहीं पर गलती कीजिए, एग्जाम में गलती करने की आपका संभावना कम हो जाएगा, चांसेस डिक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा चांसेस डिक्रीज होगा
उतना ज्यादा आपका क्या होगा, सिलेक्शन का चांसेस इंक्रीज होगा। बताइए भाई, फिर चलिए बता दीजिए, और लोग भी जुड़े हैं इसका आंसर बता दें सभी, बहुत न्यूज में चल रहा है अभी ये, लगता है डिस्कस करना पड़ेगा, अब लोग आंसर नहीं बताएंगे। चलिए इसका आंसर है 4, मालदीव है, जिसने भी मालदीव बोला है आंसर सही है, याद रखना है आपका। देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है डॉक्टर ये एस राधा एस जयशंकर, उन्होंने क्या क्या अनाउंस किया है कि इंडिया क्या करेगा, फंड करेगा किस चीज के लिए, तो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी, ये क्या है मालदीव की जगह है, मालदीव को कनेक्ट करने के लिए क्या करेगा आपका, ये करेगा अनाउंस किया है इन्होंने कि ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, तो देखिए $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। अभी हम चर्चा करेंगे कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, और टोटल 100 मिलियन ये डॉलर ग्रांट दिया गया है। देखिए ग्रांट में क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, उनको पैसा दे दिया गया है, अब वो पैसा आराम से खर्चा कर सकते हैं, कोई इनको कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, लंबे समय के लिए पैसा दे दिया जाता है, बोला जाता है आप खर्चा कीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ मिनिमम इंटरेस्ट लगता है। क्या होता है, फाइनेंशियल कोई इंस्टीट्यूशन होती है और कोई इनका क्लाइंट हो जाता है। मान लीजिए कि फाइनेंशियल आपके RBI यहाँ पे हो गया, बस एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, इंडिया हो गया और यहाँ हो गया मालदीव, तो क्या किया है इंडिया ने, बोल दिया है कि आप भाई इतना पैसा इसको दे सकते हैं तो दे दीजिए भाई, तो इनको मालदीव को मिल जाएगा इतना सा पैसा, और मालदीव इससे पैसा तब तक निकाल सकती है। मान लीजिए कितना है, बोल रहा है $400 मिलियन, तो $400 मिलियन को कुछ टाइम पीरियड तक, जितना भी टाइम पीरियड तक दिया गया है वो टाइम पीरियड तक मालदीव खर्च कर सकती है, लेकिन जब मनी आउट ऑफ हो जाएगा, इसमें मनी जब नहीं बचेगा तो उसको क्या होगा, वो खर्च नहीं कर सकते। जब तक इसमें पैसा है निकालिए, खर्च कीजिए, वापस पे कीजिए, पेनल्टी भी चार्ज होगा अगर आप टाइम पीरियड पे मिनिमम इंटरेस्ट नहीं देते, मिनिमम पेमेंट नहीं देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, लाइन ऑफ क्रेडिट और ग्रांट में डिफरेंस है। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, थोड़ा सा मिनिमम इंटरेस्ट लगता है, ग्रांट क्या होता है, ऐसे गिफ्ट हो गया, आप समझिए कि गिफ्ट दे दिया है। हाँ चलिए देखिए, 6.7 किलोमीटर ब्रिज प्रोजेक्ट है ये, जो कनेक्ट करेगा मेन, ये आपका मालदीव है, विथ किससे करेगा, आपका गुली फलहू पोर्ट से करेगा ये, एंड थिलाफूसी इंडस्ट्रियल जोन से करेगा, ताकि मालदीव की इकोनॉमी को और भी रिवाइटलाइज किया जाए, मतलब वापस से क्या किया जाए, आपको बढ़ाया जाए, उसको ग्रो किया जाए। रेगुलर कार्गो फेरी सर्विस शुरू की गई है इंडिया और मालदीव के बीच में, ताकि ट्रेड और कॉमर्स को और भी ज्यादा क्या किया जाएगा, बूस्ट किया जा सके। आप देख सकते हैं कैपिटल क्या है, मेल है इसका, मालदीव का कैपिटल मेल है, करेंसी क्या है, मालदीवियन रुपया है, और इब्राहिम मोहम्मद सोली इनके प्रेसिडेंट है। देखिए प्रेसिडेंट पूछ लेता है जो भी कंट्री न्यूज में होती है, आप UPPCS का पेपर भी देखेंगे तो वहां पर भी आता है, हम डिस्कस करेंगे मंडे को स्ट्रैटेजी, तो वहां हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन लगातार बहुत सालों से एक पैटर्न पे चल रहा है कि ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कुछ जो टॉपिक है जो फिक्स है उनसे क्वेश्चन तो आने ही है, तो आप वो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके जाएं वो टॉपिक। देखिए LOC अब हमने बात कर लिया, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली बैंक और क्लाइंट के बीच में क्या हो गया, एक मैक्सिमम लोन अमाउंट हो गया जो कस्टमर उससे बोरो कर सकता है, अभी बात कर ली हमने। माली है, गलती हो गई भाई, सॉरी। चलिए देखिए मालदीव यहाँ पे देख लीजिए भाई, इंडिया के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हमने ये हमने डिस्कस किया था कल भी, तो आपको बताना है इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर तो गलत नहीं होगा आप में से किसी का भी। देखिए कृषि मेक इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द प्रीवियस डेटा ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, आप बताना है कृषि मेक का उद्देश्य किस संगठन के कीमती डेटा को की रक्षा करना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ द एवर, बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, या इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई क्या है इसका आंसर। इसका आंसर तो गलत नहीं होगा शायद, आप सभी का आंसर सही होगा, कल ही डिस्कस किया था, ज्यादा दूर नहीं हुआ है। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। बी भी बता रहे हैं कुछ लोग, कल डिस्कस किया है फिर भी गलत नहीं, बताइए भाई सही बताइए क्या होगा, बताइए।
अजय जी ये बता रहे हैं जी, क्लास में ध्यान से अटेंड किया कीजिए, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेके चलते हैं ताकि आप लोग का बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए चीजों को लेके। चलिए सभी बताएं इसका आंसर, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करने से क्यों हिचकिचा रहे हो, और आंसर तो देना ही है। ए बता रही है, और बताएं सभी लोग इसका आंसर। शिवानी जी बोल रही है ए है, डेविड जी बोल रहे हैं ए है, और किसी का कोई आंसर है तो बता दो भाई। ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी लोगों को, अजय थ्री भी बता रहे हैं डीआरडीओ। अच्छा तो मतलब ए और बी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन होगा, बताइए ए है या फिर थ्री है, वन है या थ्री है, दोनों में से क्या ऑप्शन होगा ये बताना है। दोनों ऑप्शन कैसे हो सकता है, मैंने तो डाला ही नहीं है वन एंड थ्री, तो वन एंड थ्री नहीं डाला है तो सवाल ही नहीं उठता ऐसा होने का। बताओ भाई क्या है, वन ये है या थ्री है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नहीं आ रहा है आप लोग का आंसर, आ गया जिसका भी आना था, तो चलिए तो इसका आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसने पहले ए बोला था फिर बाद में थ्री, वो देखिए वो गलत हो गया भाई, ए ही है इसका आंसर, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च। कल इतना बार डिस्कस किया था, तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च का आपका डेटा रिकवरी के सेंटर, जिसको कृषि मेक बोला गया है। ये क्यों किया गया है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके प्रीशियस डेटा को, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट का जो प्रीशियस डेटा है उसको अब क्या किया जा रहा है, सेव किया जा सके, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो डेटा है उसको सेव करके अच्छे से रखा जा सके। और इसको सेटअप कहाँ किया गया है, कृषि मेक को, देखिए भाई नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद के अंदर इसको सेटअप किया गया है। नाम जो है हैदराबाद में इसको, ये जो है ये देखिए डिफरेंट सिस्मिक जोन है, सिस्मिक जोन का मतलब यहाँ पे क्या है कि भूकंप नहीं होगा, ठीक है, भूकंप सही वाला चीजें नहीं है, और भी चीजें डिफरेंट है। हैदराबाद का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, वो अलग आपके डिग्री पे स्टैब्लिश है, ये अलग डिग्री पे है, तो सब चीजों में डिफरेंस है। तो डेटा क्या है, दो जगह इकट्ठा रहेगा तो सही रहेगा, क्या होगा कि डेटा कम, आपका जो है डेटा को सही तरीके से रखा जा सकता है, जैसे हम कंप्यूटर में भी डेटा रखते हैं और हार्ड डिस्क में भी रखते हैं। तो वही किया गया है कि इंडियन काउंसिल आपका जो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का डेटा कृषि मेक के अंदर रखा गया है, और वो किसके अंदर बनाया गया है, कृषि मेक को, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट के अंदर बनाया गया है। देखिए करेंटली जो है मेन डाटा आपके सिर्फ न्यू दिल्ली में है, ICAR में, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर है, और एट द इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन नेशनल कैपिटल, मतलब ICAR के अंदर भी जो एक आपके अलग से इंस्टीट्यूट है उसके अंदर डेटा को स्टोर करके रखा गया है, समझ रहे हो आप, मतलब ICAR के अंदर जो डेटा है उसको स्टोर करके रखा गया है आपका IASRI के अंदर, जिसको बोला गया इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका है कि हो गया ये। और आपको अभी जो कृषि मेक जो किया गया है वो नाम के अंदर किया गया है, याद रखना है नाम जो है वो कृषि मेक के अंदर, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आ सकता है, कृषि मेक के अंदर रखा गया है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नाम को बोला गया है। तो कृषि मेक क्या है, ये आपका हैज बीन सेट अप अंडर द, लिख दिया देखिए, और ये जो जो प्रोग्राम है, ये जो चीजें हैं वो आपका फंडेड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा भी और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, पूछ लेता है स्टेटमेंट में पूछ लेगा। अब देखिए ये चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी, तो आपको कल की पीडीएफ, आज आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, मैं मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे तक आपको मोस्ट प्रोबेबली सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपकी करंट अफेयर के अलावा जो नेशनल पार्क की जो पीडीएफ है, जब वो नेशनल पार्क पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब एक साथ कंपाइल करके आपको नेशनल पार्क की पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए बताइए भाई पापुम आपका जो ये रिजर्व फॉरेस्ट है कहाँ पे लोकेटेड है, इसको न्यूज में देखा गया है, बताइए कहाँ पे है, सभी आंसर दे इसका क्या है, कहाँ पे है, तुक्का ही लगाइए लेकिन दीजिए जरूर। केरला में बता रहे हैं, और सही बताएं आंसर, जो भी नए जुड़ रहे हैं लाइक कर दें। बताएं भाई क्या है। हाँ शिवानी जी बोल रही है फोर है, संजीव जी बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, और सभी बताएं इसका आंसर।
अजय जी बोल रहे हैं सॉरी बाय मैम, क्यों भाई क्लास अच्छी नहीं लग रही है क्या, या कुछ काम आ गया, क्लास छोड़ के जा रहे हैं जो। जो भी नए लोग जुड़ेंगे प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो, देखिए फीडबैक तो दे ही सकते हैं एटलीस्ट, लाइक या डिसलाइक करके, डिसलाइक कर देते हैं तो बता दिया कीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नंबर तो है ही, अगर कमेंट सेक्शन में बताने का मन नहीं है तो फिर आप ये मैसेज भी बता सकते हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, सुधार किया जाएगा उसमें। बताइए इसका आंसर, कुछ बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, कुछ बता रहे हैं केरला, और कुछ लोगों का आंसर और भी कुछ आ रहा है, नहीं बस दो चार लोग ये आंसर दे रहे हैं, तो कुछ का अरुणाचल प्रदेश है और कुछ का है केरला, तो केरला और अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं अभी देखेंगे इसका आंसर है क्या। और किसी को आंसर देना है रुके या फिर बढ़े आगे, रुकना है, चलिए सभी का आंसर आ गया लगता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है इसका आंसर, आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत खूबसूरत भी है। देखिए जो स्टडी बेस्ड सैटेलाइट है वहां पे क्या हो गया, वहां से हमें सैटेलाइट क्या होता है आपके फॉरेस्ट एरिया और सारे एरिया को पे कंट्रोल रखने के लिए, देखने के लिए कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है वहां पे, तो काफी सारे सैटेलाइट लगाए गए जो डेटा को इकट्ठा करके भेजते हैं। तो डेटा को जो इकट्ठा करके आया है उससे हमें ये पता चला है कि डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, मतलब फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और मेजर जो हॉर्नबिल का क्या है, ये बसेरा है, हैबिटाट है, मतलब बसेरा है हॉर्नबिल का, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है ये हॉर्नबिल, तो यहाँ पे ये पाया जाता है इस आपके पापुम फॉरेस्ट रिजर्व में। लेकिन ये हॉर्नबिल का हैबिटाट भी खत्म हो रहा है, जो कंसर्न शो कर रहा है कि भाई अब क्या होगा, इनका हैबिटाट भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूथ डे 2020, तो बताना है करेक्ट क्या है, स्टेटमेंट बताना है जो इंटरनेशनल यूथ डे के लिए सही है। पहला है इंटरनेशनल यूथ डे 2020 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अगस्त विद द थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है। पहला बोल रहा है, हाँ पहला बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 12 अगस्त को ग्लोबल एक्शन के लिए युवा, आपका युवा का एंगेजमेंट ठीक है थीम के साथ मनाया जाता है, पहला ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ डे जो है 2000 में क्या किया गया था, मनाया गया था, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2000 में बनाया गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या है, ए होगा बी होगा सी होगा क्या होगा, बताए इसका आंसर, सही बता रहे ए है, वन ओनली है, मतलब देखिए ये इंटरनेशनल यूथ डे है अच्छा ठीक है, हाँ इंटरनेशनल यूथ डे ठीक है, ए बता रहे ओनली वन स्टेटमेंट, ऐसा ही सवाल ज्यादातर लोगों का गलत होता है जब ये आता है कि ऑब्जर्व डेट 2000, ये जो डेट होती है लोगों को याद नहीं रहती है और इसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है कि फर्स्ट कहाँ हुआ था। सभी आंसर दें इसका, सी बता रहे हैं कोई लोग, शिवानी जी सी बता रही हैं, जितने जितने लोग जो देखिए जो नए जुड़ते हैं लाइक कर दिया कीजिए, शिवानी जी सी बता रही है, और बताएं बारह अगस्त 2012 अच्छा बात करेंगे अभी, और सभी इसका आंसर बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी आप सभी को। डेविड बोथ बता रहे हैं, सौरभ पसुन वन बता रहे हैं, और सभी आंसर बताएं क्या है इसका आंसर, फर्स्ट यूथ डे 1999 अच्छा, और सब बताएं इसका आंसर, डिस्कस करें फिर, लगता है अब हो गया है सबका रिप्लाई आ गया है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। देखिए इसका आंसर सी है, बोथ वन एंड टू करेक्ट है। यहाँ पे देखिए 1999 का जो आपने बात बोला है, 1999 में रिकमेंडेशन दिया गया था भाई कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस डे को पहली बार मनाया गया है तो 2000 में मनाया गया है पहली बार, तो सही कर ले,
जिसका भी आंसर गलत था, देखिए जो आपका इंटरनेशनल यूथ डे है 2020 का, वो ऑब्जर्व किया गया, कब इसको देखा गया, मनाया गया, तो 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया है। और इसका थीम क्या था, देखिए थीम से रिलेटेड सवाल आपका यूपीएससी में भी आता है, यूपीपीएससी में भी आता है, और भी किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो थीम से रिलेटेड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको थीम क्या करना है, एक A4 शीट बनानी है, उसमें सारे थीम एक साथ लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर थीम इससे रिलेटेड है, क्योंकि कंफ्यूजन कभी कभी हो भी जाता है थीम को लेकर के। तो आप एक शीट बना लें, A4 साइज की शीट लेके बैठे, और जब भी हम कोई थीम वगैरह डिस्कस करें तो आप उसमें नोट डाउन करते चलें, या जब आपको PDF मिल जाएगी तो आप एक जगह सारे थीम को लिख लीजिएगा PDF से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपके योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो योजना डिफरेंट सरकार जो लॉन्च कर रही है, थीम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडेक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है यूपीपीएससी में, तो ये सब टॉपिक जो है बहुत ही प्रिय है यूपीपीएससी में, तो ये सबसे आपको याद रखना है ये सब चीजें। तो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन था, कि यूथ को एंगेज करना है ग्लोबल एक्शन के लिए। और 1999 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा क्या किया गया था, आपका इंडोर्स किया गया था, रिकमेंड दिया गया था कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए जो इंटरनेशनल यूथ डे नामक, तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ, ये कमिटी है इसके द्वारा, असेंबली है इसके द्वारा दिया गया था ये रिकमेंडेशन कि भाई ऐसा कीजिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन लोगों के द्वारा जब रिकमेंडेशन दिया गया तो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया। इंटरनेशनल यूथ डे को पहली बार ऑब्जर्व किया गया 2000 में। और डे क्या करता है, सेलिब्रेट करता है यंग पीपल इनिशिएटिव एज वेल एज देयर मीनिंगफुल एंगेजमेंट, उनके इनिशिएटिव को जो भी चीजें हुआ था, हाँ 2000 में हुआ था, 1999 में नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदू एटॉल ऑल्सो नोन एज सीनू एटॉल इज द साउदर्न मोस्ट एटॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बताइए, यूनाइटेड किंगडम, मालदीव, यूनाइटेड स्टेट और सिंगापुर, सभी बताएं इसका आंसर क्या है। राष्ट्रीय योग द्वार, उसका आंसर बताएं, अदू अटोल कहां पर स्थित है, जिसको सीनू अटोल भी कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है, आप सभी बताएं इसका आंसर। और सभी लाइक कर दें वीडियो को जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं। किस देश में सही है, सबसे निम्नलिखित में से किस देश का सबसे दक्षिणी अटोल है, ये आपको ये बताना है। का आंसर नहीं आ रहा है, लगता है सभी कंफ्यूजन में है भाई, कंफ्यूजन में हो क्या भाई, ये समझ नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग टू बता रहे हैं, अच्छा एक जन टू बताया, डेविड जी ने टू बताया है, और सभी लोग ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, सिंगापुर भी बता रहे हैं, ठीक है, और सभी बताएं इसका आंसर। जो लोग भी जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिए और आंसर प्लीज बताइए, क्योंकि आंसर बताने से क्या होगा, पार्टिसिपेशन जैसे आपका बढ़ेगा, क्लास में इंटरेस्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा, और चीजें रिमेम्बर हो जाएगी आपके यहीं पे ही। अच्छा टू बता रहे हैं अजय जी, शिवानी जी भी टू बता रही है, संतोष जी वन बता रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइए, कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, शुभांकर जी बोल रहे हैं 4 है इसका आंसर, ठीक है, और सही बता दें इसका आंसर। जो लोग नए जुड़े हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, तुक्का मारिए लेकिन आंसर दीजिए, देखिए तुक्का मारने से मत घबराइए, मारिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो मार ही सकते हैं, एग्जाम में तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी, ऐसा मत बोलिएगा कि मैम ने बोला है एग्जाम में तुक्का मारने के लिए, वहां तुक्का नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे तुक्का चल सकता है, यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं तुक्का, तुक्का मारेंगे याद हो जाएगा चीजें। तो आंसर बताए इसका, टू बता रहे गंगेश्वर जी, मालदीव है, देखिए जिसने भी आंसर मालदीव दिया है उसका आंसर सही है, मालदीव है, हाँ तनु जी का भी आंसर आ गया टू, मालदीव है। इंडिया और मालदीव ने जैसा भी हमें पता है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हमने कल भी बात किया था 5 इको टूरिज्म जोन के लिए इन्होंने क्या किया है, ये अदू अटोल में, इन अदू अटोल ऑफ आइलैंड नेशन यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, इसके लिए क्या किया गया, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, आपका साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। इको टूरिज्म जोन जो है आज पार्ट ऑफ ग्रांट प्रोजेक्ट बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द, किसके अंडर इम्प्लीमेंट है ये, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत 5.5 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया है आपके मालदीव को। हेलो आकांक्षा जी, थोड़ा सा लेट हो गई है आप शायद, करंटली देयर इज 9 सच हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट चल रही है अभी हमारे ये मालदीव और इनके बीच में, इम्प्लीमेंटेड इन मालदीव। तो यही है अदू अटोल को याद रखना है, इसको सेनू अटोल, सीनू अटोल भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन घुमा के पूछना हो तो पूछ लेगा सीनू अटोल क्या होता है,
कहाँ पर स्थित है, कहाँ से ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, तो ऐसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। नेम द स्टेट गवर्नमेंट हु अनाउंस्ड अरुणोदय स्कीम टू बूस्ट वुमेन एम्पावरमेंट। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अरुणोदय योजना की घोषणा की है। असम, आपका मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, सभी बताएं इसका आंसर क्या है, किसने अब ये किया है, घोषणा किया है अभी। सभी का आंसर असम आ रहा है, और सभी आंसर दें। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिए भाई वीडियो को। असम, सभी का आंसर असम है। और भी किसी का कुछ आंसर है तो बताएं, और भी किसी को कुछ लग रहा है तो बता सकते हैं, कुछ और आंसर लग रहा है तो बता दें भाई क्या आंसर है इसका। काफी सारे लोग देख रहे हैं, जो 4-5 लोग आंसर दे रहे हैं, क्या बात है भाई, आंसर दीजिए, आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। डिस्कस करते हैं फिर, लगता है आंसर नहीं आएगा, इतना ही आ गया बस, काफी है। तो असम, असम याद, अच्छा 3 आ गया है, 3 अरुणाचल प्रदेश है, असम राइट है, ठीक है असम है, देखिए असम राइट है। देखिए जिसको भी गलत हो रहा है प्लीज सही कर ले। तो अरुणोदय जो योजना है असम में अभी लॉन्च किया गया है, आपके लॉन्च किया जाएगा, बेसिकली लॉन्च किया जाएगा 2 अक्टूबर 2020 को। अब इसके अंदर होगा क्या, तो फाइनेंस मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने बोला है कि इस स्कीम के अंदर ₹830 पर मंथ दिया जाएगा 17 लाख फैमिली को जो उसके लिए एलिजिबल है। जो क्या होगा, ये लोग एसेंशियल जो फूड आइटम है, एसेंशियल चीजें हैं जो खाने पीने की, वो चीजें भी खरीद सके ताकि ये भूखे ना मरे बेसिकली। तो सिलेक्शन जो होगा बेनिफिशियरी का वो स्टार्ट होगा अगस्त 17, 2020 से, और रिसीव किया जाएगा अमाउंट महीने के आपके पहले दिन पे, याद रखना है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। क्वेश्चन में पूछेगा आपका जो स्टेटमेंट आएगा वो पूछेगा सेकेंड डे ऑफ एवरी मंथ या फिर लास्ट लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, या मिड डे ऑफ एवरी मंथ, या कुछ डेट जोड़ देगा 15th डे ऑफ एवरी मंथ, इस तरह से भी लिख सकता है। तो याद रखना है पहले दिन मिलेगा आपका, किसी भी महीना जब शुरू होगा उसके पहले दिन में अरुणोदय स्कीम से कहते हैं पैसा दिया जाएगा। अब पैसा कितना दिया जाएगा, तो ₹830 दिया जाएगा, तो ये भी याद रखना है। 17 लाख फैमिली है जो इससे बेनिफिट लेगी। और देखिए इसके ये स्कीम किसको बेनिफिट देगा, तो देखिए ये स्कीम के अंतर्गत ये बोला गया है जो भी असम के अंदर रह रहे हैं, जो परमानेंट सिटीजन है असम के, परमानेंट रेसिडेंट है, सिटीजन तो इंडिया के होंगे, परमानेंट रेसिडेंट है जो असम के, सिर्फ उनको ये ये पैसा इसके अंदर दिया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि जो परमानेंट रेसिडेंट है साथ के साथ वो अभी असम में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तो रह रहे होंगे तब उनको दिया जाएगा। अलॉन्ग विथ ये भी देखा जाएगा इस स्कीम के अंदर जो फैमिली जो इनकम अर्न कर रही है वो 2 लाख से आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 2 लाख से कम होना चाहिए तो उसको ये पैसा दिया जाएगा। अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंदर कौन से हाउस होल्ड को पैसा दिया जाएगा, तो देखिए आप हाउस होल्ड में किस मेंबर के नाम पे पैसा दिया जाएगा, तो स्पेशली नॉमिनेटेड फीमेल, कि अपने अपने फैमिली से किसी फीमेल को नॉमिनेट कर दिया कि भाई आप इसके अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्या होगा पैसा आएगा, कैश नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। कोई विधवा औरत है, विडो है, या फिर डिवोर्सी है, मैरिड अनमैरिड फीमेल है, या सेपरेट फीमेल है, या स्पेशली एबल्ड कोई भी आपके हाउसहोल्ड मेंबर है उनको दिया जाएगा ये पैसा, ये ध्यान रखना है। और असम में क्या है, असम की कैपिटल हो गई दिसपुर, और चीफ मिनिस्टर हो गए जगदीश मुखी, और आपके गवर्नर हो गए सर्बानंद सोनोवाल। चलिए तो ये है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हु लॉन्च्ड पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम टू प्रोवाइड क्लास 12 स्टूडेंट विद स्मार्टफोन। आपको ये चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है पंजाब के, जो पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम को जिन्होंने लॉन्च किया है, क्लास 12 के स्टूडेंट को स्मार्टफोन देता है ये स्कीम। तो कौन है, मनोहर लाल आपके खट्टर, या वीपी सिंह बदनोर, या फिर अमरिंदर सिंह, या फिर मनोज सिन्हा। चलिए ये तो क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो शायद इसमें तो हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आंसर का, तो गलत तो नहीं होगा शायद आप सभी का। हाँ एक का आंसर, अच्छा 2-4 लोगों ने आंसर दे दिया है, कोई बी बोल रहे हैं, कोई सी भी बोल रहे हैं, और कोई आपके बी सी के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है, नहीं ए बी और सी के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है, सभी आंसर दें इसका। अच्छा सी आ गया है आंसर, सी बी सी,
चल ओके, ये दो बार हो गया। अच्छा तो सॉरी, यहाँ दो बार हो गया है, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। चलिए दो बार हो गया है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ ये सी है ये डी है, तो आप देख के बताइएगा भाई बी जो बता रहे हैं उसका आंसर क्या है। सभी लोगों का आंसर सी है, मैक्सिमम लोगों का। बहुत अच्छी बात है। चलिए अमरिंदर सिंह है, इसका आंसर है अमरिंदर सिंह। पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम इन्होंने लॉन्च किया है। अभी इसके तहत उन्होंने ₹92 करोड़ का ये मतलब स्कीम में फंड किया है। इसका स्टेट वाइड लॉन्च किया गया है ये स्कीम। हाँ बोथ बी एंड सी। हाँ ठीक है, गलती हो गई थी, देखा नहीं था, सी होगा आंसर। सही है। तो ये इस स्कीम के अंदर क्या होगा, इस स्कीम के अंदर 12th क्लास के स्टूडेंट को क्या दिया जाएगा, स्मार्टफोन दिया जाएगा 11th 12th को बेसिकली। और इसमें क्या 12th को दिया जाएगा बेसिकली, और इस फोन में क्या होगा, गवर्नमेंट एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड होगा लाइक ई सेवा ऐप, ई कंटेंट ऐप रिलेटेड टू। और उसमें 11th 12th के जो क्लास के जितने भी आपके जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है उसको लोड करके दिया गया है, और उसको अप्रूव कराया गया है आपके किससे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से अप्रूवल लेके इसमें 11th 12th से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ई कंटेंट है, ई कंटेंट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट जो कि डिजिटल फॉर्म में है। आप समझ रहे होगे शायद, ई कंटेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है जो कि डिजिटल फॉर्म में है, अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें पहले से ही लोडेड है स्मार्टफोन में ताकि बच्चे को ज्यादा परेशानी ना हो। तो गवर्नमेंट भी काफी सारे इनिशिएटिव उठा रही है ताकि कि बच्चे आराम से पढ़ाई कर सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच फाउंडेशन ऑफ ऑफ विच फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड विद यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू ब्रिज जेंडर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। रिलायंस फाउंडेशन, केयर फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा फ्राउन फाउंडेशन। भारत में लिंग डिजिटल विभाजन को घटाने के लिए इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर यूएस डेवलपमेंट के साथ किस फाउंडेशन ने भागीदारी की है, आपको ये बताना है। तभी बता दें इसका आंसर, आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है शायद इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई हड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन आराम से पढ़िए और आंसर आराम से दीजिए भाई। अच्छा बी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं, फिर ए बता रहे हैं। फिर बी आया आंसर, ए बी के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है आप सभी को। चलिए अभी डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। देखिए 9 to 10 हमारी ऐप पे क्लास होगी। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि 9 to 10 ऐप पे क्लास कैसे लें, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। वहां शालिनी बंसल की प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो वहां से भी कर सकते हैं। और देखिए नंबर भी है, नंबर आप नोट कर लें ताकि आपको मैं भेज सकूं, लिंक भेज सकूं क्लास का। ओहो तो ये नंबर है, आप सभी नोट कर लें। भावना शर्मा हाय, डी और बी, डी भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, ए भी हो रहा है, मतलब सारा ही ऑप्शन हो गया, सी छोड़ के सारा ऑप्शन हो गया। अच्छा शिवानी जी ए बोल रही है, ठीक है। तो ए डी बी मतलब ए डी बी के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है, सी किसी ने नहीं बोला है, कोई बात नहीं, सारे लोगों ने आंसर लगता है दे दिया है। आंसर देखिए इसका भी आंसर रिलायंस फाउंडेशन है, उसका आंसर सही है, रिलायंस फाउंडेशन होगा, याद रखना है रिलायंस फाउंडेशन होगा। तो रिलायंस फाउंडेशन ने क्या किया है, पार्टनर किया है यूएस एजेंसी से इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ताकि जो जेंडर का जो गैप है, जेंडर डिजिटल जो डिवाइड है इंडिया का, वो कम किया जा सके औरतों और ये मेन और वुमेन के बीच में। और पार्टनरशिप ये को जो अनाउंस कहाँ किया गया है, तो वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे अनाउंस किया गया, इस इवेंट के अंदर इसको अनाउंस किया गया है 11th अगस्त में। और ये जो ये फंड है आपका वुमेन, आपका ये जो वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी का जो फंड है, वाज क्रिएटेड टू सोर्स एंड स्केल द मोस्ट इनोवेटिव प्रोग्राम। ये मोस्ट इनोवेटिव जो प्रोग्राम है इसको आपको क्या फंड करने के लिए किया गया है, ताकि वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके, वुमेन को भी एम्पावरमेंट दिया जा सके, इसके लिए इसको किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव त्यागी हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज ए
पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक तो देखने को मिल ही जाता है। अभी काफी सारे रोग की लोगों की डेथ हो रही है, तो प्लीज आप लोग भी सही से रहें, अच्छे से रहें, घर पे रहें, जब जरूरत हो तभी बाहर जाएं और बिना मास्क के और सैनिटाइजर के बाहर ना जाएं। मास्क और सैनिटाइजर जरूर लेके चले साथ में। सी है पॉलिटिशियन बता रहे हैं, और सभी सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई, सभी आंसर देश का। जो लोग नहीं जुड़े हैं लाइक कर दें। राजीव त्यागी, राजीव त्यागी है आंसर बताना है। राजीव तो मैं बोल ही दिया है मैंने, ये थोड़ी पूछा है कि कौन ये क्या है, मतलब ऑप्शन में दिया है और पूछ रही हूँ क्या है। फ्रॉम कोरोना, हाँ थे कौन ये बताना है, ऑप्शन तो आया नहीं अभी तक। कांग्रेस से पॉलिटिशियन ए बता रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी बता रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियन बता रहे हैं, कुछ डायरेक्टर भी बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता थे। बहुत बढ़िया, तो मतलब ए भी और आ रहा है किसी का, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, एक साथ चारों ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, पॉलिटिशियन है इसका आंसर। राजीव त्यागी का आंसर कौन थे, पॉलिटिशियन थे। इनका कोरोना की वजह से इनकी डेथ हो गई, फिर कोरोना हुआ था इनको, कार्डिक अरेस्ट हुआ था, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस के ही थे ये प्रवक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, सोमला मंडल या फिर बोरिया मजुमदार या प्रमोद भसीन या फिर वीरेंद्र नाथ दत्त, बताइए। आंसर बताएं सभी इसका क्या है, इसका आंसर। अच्छा सोमल है बता रहा है कोई, सोमला। ये बता रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं आंसर जरूर दें, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, वुमेन्स रिलेटेड है इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सभी का ये आ रहा है आंसर, बहुत अच्छी बात है, सबका एक 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 ही मत पे आंसर है। और किसी को आंसर देना है भाई तो बता दीजिए, थोड़ा इंतजार कर लेते, नहीं तो बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए बढ़ा जाए, तो ए है आंसर, जिसने भी ए बोला है सही है। इनको सेलेक्ट किया गया है पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के, बोर्ड का नेक्स्ट चेयरमैन आपका सेलेक्ट किया गया है किसके द्वारा, तो पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा नेक्स्ट चेयरमैन सेलेक्ट किया गया है पब्लिक सेक्टर स्टील का, आपका मेजर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको साल भी बोलते हैं, इसके लिए बोला गया है। करेंटली ये क्या डायरेक्टर है इस साल की बेसिकली, और इनको अभी जो करंट डायरेक्टर की अगर बात करें तो करंट डायरेक्टर अभी अनिल चौधरी हैं। अगर इनको अगर ये मंजूरी मिल जाती है कि ये पद पर बैठेंगी तो ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ही कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि विमेन को इतना हायर पोजिशन मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव फीमेल सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला पूछ रहा है मुंबई, दूसरा पूछ रहा है दिल्ली और तीसरा चेन्नई, चौथा केरला, बताइए कहाँ पे हुआ है। यातायात संकेतों पर महिला प्रतीकों वाले पहले भारतीय शहर कौन से हैं, बताने हैं आपको। सभी आंसर दें इसका क्या है आंसर, लाइक कर दें, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं लाइक कर दें वीडियो को। सॉरी मैं लेट, मेरे को अर्जेंट वर्क, कोई बात नहीं, जाइए कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड तो होती है, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। दो मुंबई, देखिए 9 to 10 क्लास होगी, आप सभी आए क्लास जरूर अटेंड करें 9 to 10। पॉलिटी की जिसकी भी क्लास छूट गई है यहाँ पे, वो वहाँ से कवर अप हो जाएगी, देखिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्लास, तो 9 to 10 लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें और जरूर आए क्लास अगर अकेडमी की लर्निंग ऐप पे। मुंबई, मुंबई बता रहे हैं सभी लोग, मुंबई बता रहे हैं, चलिए सब पे फिर से सब पे एक 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 ही आंसर आ रहा है सबका, बहुत अच्छी बात है, सबका एक आंसर आ रहा है।
मुंबई। चलिए बहुत बढ़िया, मुंबई है आंसर। जिसका भी आंसर मुंबई है, सभी का आंसर वैसे तो मुंबई है, तो मुंबई ही है। याद रखना है फीमेल सिंबल को अब यूज किया गया है ट्रैफिक सिग्नल पे, फर्स्ट सिटी बन गया है मुंबई। ये प्रोजेक्ट किसके अंदर आपको चलाया गया है, प्रोजेक्ट चला है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ स्टेट के अंदर है, ये भी याद रखना है। और आपके बृहन मुंबई आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंस्टॉल किया है ट्रैफिक सिग्नल, जो डिस्प्ले कर रहा है विमेन आइकन को विद ट्रायंगुलर फ्रॉक। ट्रायंगुलर फ्रॉक पहना हुआ आइकन दिखाया गया है, विमेन का सिंबल दिखाया गया है इससे। और इसको ये दिखाया गया है कि मेल को और विमेन को दोनों को इक्वल इक्वल क्या है आपका इक्वालिटी का अधिकार है, तो जेंडर इक्वालिटी करने का ट्राई किया गया है विमेन को भी वहां पे रिप्रेजेंट करके, तो याद रखना है सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन विच सिटी। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे लोकेटेड है आप सभी को बताना है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में और पंजाब में। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर लोकेटेड है बताइए। बिहार में है या मध्य प्रदेश में है या फिर सिक्किम या फिर पंजाब, सभी का आंसर बिहार आ रहा है। और सभी बताएं इसका आंसर क्या है। ए आ रहा है, वन आ रहा है, ए आ रहा है, ए है बिहार। ठीक है, इसका भी आंसर बिहार है, बिहार सही है, बिहार ही होगा आंसर। काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है। महात्मा गांधी सेतु को ऑल्सो कॉल्ड गांधी सेतु भी या फिर गंगा सेतु ब्रिज भी बोला जाता है। रिवर गंगा पे है ये और आपके कनेक्टेड कनेक्ट करती है पटना को, पटना इन द साउथ टू हाजीपुर इन द नॉर्थ। पटना से हाजीपुर को क्या करती, कनेक्ट करती है, जो बिहार में है। और इसको इनॉग्रेट किया गया था मई 1982 में इसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। और इस ब्रिज को अप्रूव किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1969 में। और इसको बिल्ड किया गया किसके द्वारा, तो आपका गमोन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया, इसको बनाया गया है। और 10 साल लगे हैं इस ब्रिज को बनाने में, तो याद रखना है 10 साल लगा है 1972 से 82। इतना कुछ घुस के तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया है आपको बस महात्मा गांधी सेतु कहाँ है आपको ये याद रखना है। और ये याद रखना है ये कनेक्ट करता है पटना को इन द साउथ टू हाजीपुर इन द नॉर्थ, ये बात याद रखनी है। ये YouTube पे ही चल रही है, देखिए ये क्लास तो YouTube पे ही रहेगी। लेट्स क्रैक YouTube जो चैनल है जहाँ पे अवेलेबल है ये क्लास, तो ये क्लास यहीं पे रहेगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो क्लास होती है वो YouTube पे अपलोड नहीं होती है, वो अलग होती है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप सभी इंस्टॉल कर लें। अभी 9 to 10 मेरी क्लास होगी वहां पे, रात में ही चल रही है 9 to 10। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर का क्राउन रूल आज पूरा वहां पे कंपाइल करके पढ़ लेंगे, कल आधी हो चुकी थी, आज आधा प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जो चाहते हैं दोबारा से रिवाइज करना या आपने क्लास नहीं अटेंड की है तो वहां से आपका कवर अप हो जाएगा क्लास, तो आप सभी आए क्लास जरूर देखें, काफी फ्रूटफुल होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब आपका क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो 9 to 10 की क्लास है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और नंबर नंबर मांगेगा लास्ट में, तो नंबर से आपको क्या करना है अपने आपको रजिस्टर कराना है, उसके बाद ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में अपना काम कर सकते हो या फिर किसी की प्रोफाइल विजिट कर सकते हो। तो शालिनी बंसल प्रोफाइल है, उसको आप फॉलो कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी क्लास का मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, कम बच्चे आते हैं, यहाँ वाले बच्चे तो आते ही नहीं है वहां पे, तो यहाँ वाले लोग भी आया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज तमिल यूमन दैट इज मेंशनड इन न्यूज। बताना है मार्शल आर्ट फ्रॉम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, या फिर डांस फ्रॉम दैट वॉज डिक्लेयर्ड एज द तमिलनाडु स्टेट डांस। तमिलनाडु का स्टेट डांस से क्या क्या घोषित किया गया है, राज्य नृत्य या हर्बिसिडल सब्जेक्ट सब्सटेंस यूज्ड इन क्यूरिंग द नीफा वायरस, नीफा विषाणु को ठीक करने में उपयोग होने वाली आपकी क्या है मेडिसिन है ये, या फिर बटरफ्लाई दैट वॉज डिक्लेयर्ड एज द तमिलनाडु स्टेट बटरफ्लाई। तो क्या है, एक तितली जिसे तमिलनाडु का राज्य तितली घोषित किया गया है, बताना है आप सभी को आंसर। डी बता रहे हैं कोई आंसर, सभी बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर जो भी लग रहा है आपको आप बता सकते हैं, बिल्कुल बताएं आंसर जरूर बताना है। तितलियां तो पहले बहुत नजर आती थी, अब कम हो गई है, बहुत ही रेयर ही तितली नजर आती है, बच्चों में तो तितलियों के पीछे भागा करते थे, आप सभी भागते थे या नहीं पता नहीं, मुझे तो बहुत पसंद थी रंग बिरंगी तितलियां।
सभी डी बोल रहे हैं इसका आंसर, और किसी का भी कुछ आंसर है तो बता दें, और किसी का कुछ आंसर है तो जरूर बताएं इसका आंसर और क्या हो सकता है, फिर डिस्कस कर लेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो लाइक करना ना भूलें। डी है, और देखिए संडे का क्लास आप लोग अपडेट कर लीजिएगा भाई, 10 से 11 है संडे का क्लास, अपडेट कर लीजिएगा 10 से 11 है संडे का क्लास, तो उस दिन ये क्लास का टाइम ये रहेगा। सभी का आंसर लगता है आ गया है, सभी डी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी डी, सभी का आंसर डी आ रहा है, चलिए सही है, डी है इसका आंसर, इसका आंसर है डी, बटरफ्लाई दैट वाज डिक्लेयर्ड एज द तमिलनाडु स्टेट बटरफ्लाई। अब देखिए साउदर्न जो स्टेट है तमिलनाडु का, रिसेंटली यहाँ पे तमिल यूनम इसका जो नाम है वो ये है चिरुचिरो थाइस नाम है इसका, तो ये इसका आपका साइंटिफिक नेम हो गया एज इट स्टेट बटरफ्लाई, इसको स्टेट बटरफ्लाई बोला गया है। सिंबल सिंबलाइज है, सिंबल किस चीज का है, तो रिच नेचुरल कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पे बहुत अच्छा नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पे हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा है, और ये इसको अपने इसको कंजर्व करने के लिए, और ये इतने सारे जो अट्रैक्टिव इंसेक्ट इंसेक्ट हैं, इंट्रैक्टिव जितने जंतुएं हैं, जीव जानवर हैं जो भी, इन सबको क्या है आपके अट्रैक्टिव, ये इतने देखने में इतने सुंदर है, इनको कंजर्व करने के लिए ये मूव लिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने क्या किया है, इसको स्टेट स्टेट के नाम, स्टेट आपके बटरफ्लाई, ये स्टेट बटरफ्लाई है तमिलनाडु का, तमिलनाडु स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया गया है इसको, और लोकली तमिल इसको मारवन भी बोलते हैं, मीनिंग क्या होता है तमिल वॉरियर, समझ रहे हो। द कैनोपी बटरफ्लाई यूजुअली साइज, इसका साइज क्या है देखिए 60 to 75 mm है, बहुत ही छोटा साइज है ये, और देखिए अभी जो फिफ्थ स्टेट बन गया है कि जो जिसने अपने स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, पहला जो स्टेट था वो महाराष्ट्र था, ब्लू मोरमोन है, दूसरा है उत्तराखंड कॉमन पिकॉक, तीसरा है कर्नाटका साउदर्न ब्रिज विंग, बर्ड विंग्स बोलते हैं उसे, साउदर्न बर्ड विंग है, और केरला है मालाबार बैंडेड पिकॉक। सभी के फोटो देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए साउदर्न बर्ड विंग है, देख सकते हैं कितना सुंदर है, मालाबार बैंडेड पिकॉक है, साउदर्न बर्ड विंग्स है ये, और आपके ये ब्लू मोरोन है, देख लीजिए इसका ये इतने सारे, देखिए कॉमन है, ये गलत हो गया, कॉमन है, कॉमन पिकॉक है ये गलत हो जाएगा, कॉमन पिकॉक है ये कॉमन पिकॉक है, ये मालाबार बैंडेड पिकॉक है, साउदर्न बर्ड विंग है, तो याद रखना है, ये याद क्या रखना है मतलब ये सिर्फ एज ए नॉलेज के लिए है कि ये देख लीजिए काफी सुंदर लगता है देखने में, बर्ड्स भी कितने सारे बटरफ्लाई कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी सवाल है, सभी तो बताएं इसका आंसर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, बताना है भारतीय भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करता है, पहला है आर्टिकल 340, दूसरा है आर्टिकल 280, और तीसरा है आर्टिकल 324 और या फिर 370, बताना है आप सभी को क्या कौन सा आर्टिकल करता है कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, बताना है क्या है इसका आंसर, बताएं सभी, फिर डिस्कस करते हैं, आज का आखिरी सवाल है ये, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए है, क्लास जो होती है वो हमारी अभी 7 से 8 होती है और 9 to 10 हमारी ऐप पे क्लास चलेगी, आप सभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले, नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, नंबर से रजिस्टर होगी क्लास, सभी 340 आ रहा है सभी का आंसर, अब सभी के पास नंबर अवेलेबल है मेरा, शायद नंबर दे चुकी हूँ मैं आपको, एक बार फिर से दे देती हूँ, जिसने भी नहीं लिखा है ले ले, जीएस विद शामली बंसल टेलीग्राम लिंक है, आप उसमें भी आ सकते हो, आप पीडीएफ आज करंट अफेयर की मोस्ट प्रोबेबली आपको अवेलेबल हो जाएगी 11-12 बजे तक, पूरी कोशिश रहेगी, कल ही करने वाली थी लेकिन कल करते वक्त ही लैपटॉप खराब हो गया था और फिर उसको रिपेयर कराने में काफ़ी टाइम लग गया, आज लग रहा था आपका लेक्चर भी नहीं आ पाएगा लेकिन फिर आ गया लेक्चर, जल्दी जल्दी बनाना पड़ा क्योंकि रिपेयर कराने में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम से खराब हो रखा था। आर्टिकल 340 ही बता रहे हैं सबको इसका आंसर, और भी किसी का कुछ आंसर है तो बता दें, सभी आंसर दें इसका आंसर तो सभी दे दें, और कोई बच गया है किसी को आंसर और देना है या फिर डिस्कस कर लें, लगता है सबका आंसर आ गया है,
डिस्कस कर लेना चाहिए। सबका आंसर आ गया 340, आर्टिकल 340 है। बहुत अच्छा, आर्टिकल 340 क्या करता है, ये इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि अपॉइंट किया जा सकता है कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास का कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन को बिठाया जा सकता है। आर्टिकल 280 फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन की बात करता है, बताता है भाई स्टेट और सेंटर के बीच में किस तरह से क्या होगा, आपका टैक्स को बांटा जाएगा। टेलीग्राम लिंक आप नंबर से जुड़ जाइए, टेलीग्राम लिंक वहीं पे दे दूंगी, यहाँ पे लिंक नहीं दे सकती। या जीएस विद शालिनी बंसल है, जीएस विद शालिनी बंसल आप टेलीग्राम पे जब आप खोजोगे तो एक ही आएगा, मेरा ही आएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर नंबर तो आपके पास, नंबर तो दे ही दिया है, नंबर आप सभी के पास मिल ही गया है भाई। और 9 to 8 क्लास है, 9 to 10 क्लास है, आई होप आप सभी आएंगे 9 to 8 क्लास अटेंड करने के लिए। देखिए आर्टिकल 280 की बात कर ली फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 324 की बात करें तो ये आर्टिकल ये क्या पावर देता है कि आपके इलेक्शन कमीशन को किस तरह से इलेक्शन कराया जाएगा, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन किस तरह से कराया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का किस तरह से कराया जाएगा, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन किस तरह से कराया जाएगा, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। मतलब फुल प्रूफ इनके अंदर ही ये सारा काम चलेगा, आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज वेस्टर्न इलेक्शन कमीशन। तो याद रखना है 324 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के पावर के बारे में बताता है कि कैसे डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन होगा, क्या कंट्रोल होगा, क्या सुपरिटेंडेंस होगा, सब चीजों को बताएगा कि किस तरह से आप करवा सकते हो इलेक्शन, किसका, प्रेसिडेंट का, स्टेट लेजिस्लेशन का, वाइस प्रेसिडेंट का, तो इन सबके इलेक्शन के बारे में ये बताता है। तो आप सभी को ये चीजें याद रखनी है। तो आज ये लास्ट सवाल था, तो उसके बाद अब नेक्स्ट भी कल डिस्कस करेंगे। मंडे को आपके 60 डेज स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन आएगा, 60 डेज स्ट्रैटेजी का क्या आएगा आपका, वीडियो आ जाएगा, करेगा वीडियो आएगा, और फिर मिसाइल का आएगा। जैसे जैसे हमने बात किया था सारी चीजों का, तो उस हिसाब से अब एक वीक जो है सब आप ही लोग का जो डिमांड रहा है टॉपिक वही सारा रहेगा। और मैं कोशिश करूंगी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट अभी कवर करा दूं आपको, और सेंट्रल इंडिया का कुछ स्टेट बच गया, साउथ इंडिया बच गया, तो 3 जगह का बच गया है अभी, तो वो भी कवर कराना है। आई थिंक 2 क्लासेस में हो जाएगी आपकी, 2 क्लास लग जाएगी उसको भी। सोयल भी बोला है आपने कवर कराने, एक मिसाइल का टॉपिक दिया है और एक 60 डेज स्ट्रैटेजी का टॉपिक दिया है, तो 4-5 टॉपिक आप लोगों का दिया हुआ है। अगर और कोई टॉपिक भी है तो बता दें, 4 डेज का तो ऑलरेडी हो गया है, 6 डेज का हो चुका है ऑलरेडी। मंडे से आप ही लोग का जो भी जितना भी आप लोग के डाउट्स हैं सारे क्लासेस वही लूंगी, ताकि आप लोग के डाउट्स और क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा साथ में, नेक्स्ट एक एमसीक्यू भी रहेगा। सोयल वाला चैप्टर शायद लंबा जाएगा, वो 2 दिन शायद ले लेगा, क्लास लंबी हो जाएगी उसकी, तो शायद क्योंकि एमसीक्यू भी ऐड करना होगा उसमें, नहीं तो आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, तो इसकी वजह से वो सारी चीज़ें भी डाला जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो आप सभी ज़रूर पिंग करें कि भाई मैम इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक भी डिस्कस कर लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग के डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, लास्ट मोमेंट का टाइम है, एग्जाम बहुत नज़दीक है आप सभी का, तो ज़्यादा सही है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लगा लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के लगा लें, देखिए बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने लोग भी यूपीपीएससी देने वाले हैं, यूपीपीएससी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखोगे किसी एक टॉपिक से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रखा है, कभी कुछ पूछ लेगा कभी कुछ, लेकिन टॉपिक एक ही रहेगा, तो इर्द गिर्द एक ही टॉपिक के क्वेश्चन घूमता रहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। और कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं, किसी और टॉपिक में कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है तो बता सकते हैं। कल आपका टॉपिक जो रहेगा फॉरेन इम्पैक्ट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या फॉरेन इम्पैक्ट रहा है कल, मुझे लग रहा है शायद कुछ लोग नहीं भी अटेंड करेंगे, कल 15 अगस्त है, अटेंड करेंगे या नहीं कल क्लास, या 15 अगस्त मनाइएगा, 1 घंटे आ जाएगा क्लास में, 7 से 8 शाम में होगी क्लास कल भी। और कुछ भी कुछ बोलना है तो बताइए भाई, चले फिर। चलिए 9 to 10 जरूर आइएगा क्लास में, क्लास अटेंड करने 9 to 10 जरूर आइएगा। हाँ, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लें, कल काफी सारे लोगों ने मैसेज किया था मैम कैसे अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल होगा, तो बस प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी ऐप आपको इंस्टॉल करना है, तो अनअकैडमी ऐप आप सभी प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लें। देखिए और तो कोई परेशानी नहीं होगी, नंबर मांगेगा जिस तरह से आप लोग शॉपिंग साइट में अपने आप को रजिस्टर कराते हो, वैसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा,
नाइन टू टेन होगी क्लास, अभी ही होगी, 1 घंटे बाद 9 to 10 यहाँ पे क्लास होगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। देखिए अभी इंग्लिश टू हिंदी नहीं कर पाई हूँ क्लास को, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लग जाता है और आज समय कम था मेरे पास, क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब हो गया था जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी में कंटेंट बनाई हूँ मैं, इसकी वजह से दिक्कत हो गई है तो नहीं हो पाया। तो उसके लिए पर कोशिश रहेगी आके आपको हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, पूरी कोशिश रहेगी इस चीज़ की। क्लास दोनों हाँ अटेंड जरूर कीजिएगा, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे वहाँ पे। जिसकी भी क्लास छूट गई है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसने क्लास कर लिया है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। वहाँ पे क्लास में करने में ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी सारे रिप्लाई आ जाते हैं तो काफ़ी सही रहता है। तो चलिए फिर चलते हैं, और आपको आज 11 से 12 पूरी कोशिश करूंगी कि ये सारे के सारे PDF करंट अफेयर के एटलीस्ट अवेलेबल करा दूँ। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, चल रहे हैं फिर, अटेंड कीजिएगा जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। शार्प 9 9 o'clock ऑनलाइन आ जाएंगे वहां पे।